तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे गर्मियों के क्या हर मौसम के एक बहुत ही खूबसूरत पौधे, जैसे कि आप देख सकते हो, कोलियस की बात करने वाली हूँ। आप देख सकते हो और बहुत सारे वीडियोस में जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उन्होंने देखा भी होगा कि मेरे पास कोलियस के बहुत सारे प्लांट्स हैं और बिल्कुल छावनी जैसी बना लेते हैं और इनकी जो है पत्तों की ठंडक बहुत ज़्यादा बनी रहती है। जो नीचे छोटे पौधे हम इंडोर वगैरह रखते हैं तो, और गार्डन में कलर्स ऐड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बट हर पौधे को आपकी थोड़े बहुत केयर की ज़रूरत होती है। और ये बिल्कुल सही समय चल रहा है क्योंकि गर्मियों में अगर हम इसकी कटिंग लगाते हैं लग तो बहुत आसानी से जाती है। हर मौसम में कोलियस की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, बट गर्मियों में हमें फिर कटिंग लगा के शेड में रखना पड़ता है। तो अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जनवरी ख़त्म होने की कगार पे है, तो अभी मैंने सोचा कि सही समय चल रहा है और ज़्यादा तेज़ अभी धूप भी नहीं हुई है तो हम लोग गार्डन में बैठ के आराम से काम भी कर सकते हैं। तो आज मैं अपने कोलियस की जितने भी आप सीख रहे हो ये सारे प्लांट सबको कट करके और फिर से लगाने वाली हूँ, तो मैं आपके साथ भी इस वीडियो में यही सब शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत इजी कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊँगी जिससे आप बहुत आसानी से कोलियस को जो है फिर से एकदम हरा भरा और फ्रेश, जैसे ये ब्राइट इनका ब्यूटीफुल फोलियज होता है, वैसा कर सकते हो। तो गर्मी की तैयारी अभी से करनी है हमें, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये एक पॉट मैंने, इसका छोटा वाला पॉट जो था उसमें बहुत सारी कटिंग लगा रखी थी, तो जितनी भी इसकी लैगी हो गई थी, ब्रांचेस खूब बड़ी बड़ी हो गई थी, सबको मैंने प्रून कर दिया और छोटी छोटी कटिंग्स को भी मैंने इसमें लगा दिया मिक्स मैच करके, जैसे मैं हमेशा ग्रो करती हूँ। तो अभी से आप देख सकते हो, अभी तो बस मैंने लगाया ही है तो मैंने सोचा वीडियो में आप लोगों को दिखा दूँ। तो आप देख सकते हो अभी से ही ये पॉट ऑलरेडी काफ़ी क्यूट सा लगने लगा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ, आप भी बिल्कुल वैसे करना, आपको देखना गर्मियों में बहुत बढ़िया वाले कोलियस मिलने वाले हैं। ये जितने भी इसकी ब्रांचेज हैं बड़ी बड़ी हो गई हैं, बिल्कुल आपको इसको काट काट के निकाल देना है। और अगर लग रहा है कि कोई प्लांट ख़राब हो रहा है, जैसे ये देख रहे हो इनकी ये अपनी लाइफ पूरी कर चुका है, इसे मैंने निकाल दिया काट के। इसी तरीके से जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांचेज है सारे को मैं काट दूँगी, और जो भी आपको मदर प्लांट भी लगे कि स्टेम से ये वीक लग रहा है उसे भी आप निकाल दें और उसकी जो कटिंग्स हैं वो सिर्फ लगा लें। मैंने सारे जो भी थे इस वाले पॉट में कोलियस प्लांट सबको रिमूव भी कर दिया क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर से ही लगाऊँ तो अच्छा रहेगा, तो बहुत मोटी मोटी ब्रांचेज अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो बस आपका जो एग्जिस्टिंग पॉट है उसमें कुछ भी नहीं करना आपको, बस आप अच्छे से सॉइल की गुड़ाई कर लो और गुड़ाई करने के बाद थोड़ी सी जो है फ्रेश सॉइल जो है खाद मिट्टी वाली जो बना के रखते हैं एकदम सैंडी सी। अच्छा, सॉइल पे मेरा वीडियो ऑलरेडी है जिसका लिंक मैं आप लोगों को जो है आई बटन पे दे दूंगी, वो आप लोग चेक कर लेना क्योंकि मैं वो ऑलरेडी बना चुकी हूँ तो मैं वो दोबारा से नहीं बना रही हूँ। खूब अच्छे से अपना पॉट में पहले गुड़ाई कर लूँ और गुड़ाई करने के बाद इस तरीके से पॉटिंग मिक्स होना चाहिए एकदम, आप देख सकते हो एकदम सैंडी सा। तो ये आप इसमें थोड़ा सा जो है फ्रेश सॉइल आप ऐड कर दो, तो मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। ये मैंने ऐसे फ्रेश सॉइल थोड़ी सी ऐड कर दी, बस एक मुट्ठी बराबर क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारी मिट्टी है। और साथ ही साथ मैंने इसमें, आप ये देख सकते हो, एक टीस्पून बराबर मैंने इसमें नीम की खली भी डाल दिया है। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र जो कि बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करती आई हूँ। थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ये है यूरिया वाला, यूरिया फॉस्फेट जो है 1744, ये मैंने डाल दिया। ये जो है फोलियज वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा कर देता है, साथ ही साथ कटिंग बड़ी आराम से लग जाती है। तो एकदम जो जो प्रोसेस होता है ना, किसी भी प्लांट को हम लोग रिपोर्ट करते हैं उसकी जो भी ग्रोथ का प्रोसेस होता है उसको एकदम बूस्टअप कर देता है, तो ये मैंने मिला लिया है और अब हम इस पर कटिंग्स लगा लेंगे। तो कटिंग्स जो हैं कोलियस की जो देखने में भी सुंदर लग तो किसी भी तरीके की जाती है, छोटी कटिंग बड़ी कटिंग हर लग जाती है, लेकिन जो ये टिप वाली कटिंग्स होती है ना, इस तरीके की कटिंग्स जो होती हैं यही मैं ले रही हूँ क्योंकि ये बड़ी प्यारी लगती हैं जब ये एकदम बराबर से ग्रो होती हैं। तो कोशिश करो आपकी जो कटिंग्स हैं आपकी वो सारी की सारी एक जैसे मतलब हाइट पर आएँ जब लगे, क्योंकि जो सब एक साथ लगाएंगे तो फिर वो एक साथ ही बड़े होंगे और जब वो एक साथ बड़े होंगे तो सारे के सारे बहुत अच्छे लगेंगे, लुक अच्छा आएगा, और बाकी आगे पीछे बढ़ेंगे तो वो लुक नहीं आ पाएगा। तो अभी मैंने सारी कटिंग्स ऑलमोस्ट कोशिश की है कि एक ही हाइट में काट लिया है,
और नीचे से कुछ पत्तियां हटा दी हैं, कटिंग इस तरह के लिए है, और बस इसमें हम इसको लगाते चले जाएंगे। मैंने गुड़ाई अच्छे से कर ही ली थी आप लोग के साथ। गुड़ाई से क्या हुआ कि कुछ भी होल्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और कटिंग्स बहुत आसानी से लग जा रही हैं, तो बस ऐसे करके लगाते चले जाएंगे सारी ये सारी कटिंग। और ऑलरेडी आप देख सकते हो कि मिक्स मैच करने पे अभी तो ये प्लांट्स बने भी नहीं हैं, अभी तो सिर्फ कटिंग्स हैं इनकी, और ये देखने में कितने प्यारे लगने लगे हैं अभी तो। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं गर्मी के, ये सबसे मेरे फेवरेट प्लांट्स हैं, क्योंकि कलर तो ऐड करते हैं साथ ही साथ, जो हमारे डेलिकेट प्लांट्स होते हैं उनको छांव देते हैं ये। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने सारे के सारे पॉट्स को पेंट भी करवा दिया है और साथ ही साथ सारे की जो है प्रूनिंग करके और अच्छे से इन्हें फिर से लगा दिया है। और देख सकते हो आप अभी तो सिर्फ कटिंग्स हैं ये, और ऑलरेडी काफ़ी प्यारी लग रही हैं, और जब ये सारे के सारे साथ में बढ़ेंगे कैनोपी जैसा बनेगा तो कितना ब्यूटीफुल लुक आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।